लंदन में यौम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम मशरकी लंदन में ओजीबी इंटरटेनमेंट और पाकिस्तान ओवरसीज क्लब के इश्तराक से मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तान की मशहूर गुलुकारा सहर गुल खान, नबील शौकत अली और एस के वन ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। नौजवानों, खातीन और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान का परचम थामे एक छत के नीचे पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाया। रंगों भरी म्यूजिकल शाम को लोगों ने खूब इंजॉय किया। मजीद तफसीलात लंदन से सगीर भट्टी की इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया की तरह बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में भी 14 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया गया। लंदन में यौम पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम मशरकी लंदन में ओजीबी इंटरटेनमेंट और पाकिस्तान ओवरसीज़ क्लब के इश्तराक से मुनक्कद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की मशहूर गुलुकारा सहर गुल खान, नबील शौकत अली और एस के वन ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पेश करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। इस मौका पर बच्चे, बड़े, नौजवान, मर्द, खातिन और फैमिलीज़ की बड़ी तादाद मौजूद थी। बच्चों के लिए खास तौर पर बांसी कैसल और खातीन के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स का भी इंतजाम किया गया था। बरतानिया के मशहूर गुलुकार एस के वन और पाकिस्तान की मशहूर गुलुकारा सहर गुल खान और गुलुकार नबील शौकत अली ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। गुलुकारों ने बोल, कुफारा, जुगनी और मिल्ली नगमों समेत दूसरे गीत गाकर शायकीन से खूब दाद वसूल की। चलता टीवी से बात करते हुए ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि आज की तकरीब का मकसद बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों और उनके अहले खाना को एक अच्छी तफरी फराहम करने के साथ साथ पाकिस्तान की मिट्टी से उनका राबता बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि वो हर साल 14 अगस्त के मौका पर पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फ्री इंटरटेनमेंट का इनेकाद करते हैं और इंशाल्लाह ये सिलसिला आइंदा आने वाले सालों में भी जारी रहेगा। जिसमें हमने पाकिस्तान से सहर गुल खान, मोल कुफारा, नबील शौकत अली जो के 2017 से विन करके आए हैं उनको बुलाया था और ये फ्री इवेंट था फैमिलीज के लिए 14 अगस्त के हवाले से कि फैमिलीज आए और हमारे साथ एंजॉय करें। आज एक वर्किंग डे था, उसके बावजूद जो फैमिलीज सर फैमिलीज जमे सफीर यहाँ पे बन के आई और उन्होंने खूब इंजॉय किया। फांसी कासल से, फूड के स्टॉल से, बुटीक के स्टॉल से, लेडीज ज्वेलरी थी, सब कुछ था। और मैं ये समझता हूँ कि हर बंदे ने यहाँ पे एंजॉय किया। हमने पाकिस्तान से सिंगर्स लेके आए जिसमें सहर गुल खान है, उन्होंने यहाँ पे इतनी भरपूर परफॉर्मेंस की कि आवाम के लोगों के दिल जीत लिए। अब इस वक्त नबील शौकत अली परफॉर्म कर रहे हैं तो मैं
अपने पाकिस्तान ओवरसीज क्लब और उसी भी एंटरटेनमेंट की जान से जितने भी इस प्रोग्राम को देखने सुनने और आने वाले हैं तमाम का तहे दिल से शुक्रगुजार। जितने भी पाकिस्तानी हैं ओवरसीज में उनको जश्न आजादी मुबारक। उसके बाद ये एवरी ईयर ये हमारा दूसरा साल है जो उसी भी एंटरटेनमेंट और पाकिस्तान ओवरसीज क्लब ने दूसरे साल भी ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया है, तो इंशाल्लाह अगले साल इससे बड़ा इवेंट होगा इंशाल्लाह ताला। इसमें यही है कि हम सारे मिलकर पूरी फैमिली जितने भी लोग हैं वो जो है जश्न आजादी मना सक रहे और पाकिस्तान को याद कर सकते।